हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग जब कार ख़रीदने जाते हैं या ख़रीदने की तैयारी में होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तब आपका एक कंफ्यूजन होता है कि कार का पेमेंट कैसे करें, मतलब इन किस फॉर्म में करें, कंप्लीट फाइनेंस करवाएं या उसको कैश में पेमेंट करें या अपने अकाउंट से कटवाएं। तो आप तीन तरीके से आप अपने कार को परचेज़ कर सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है आप उसकी फ़ाइनेंस करवाएं और कुछ डाउन पेमेंट करें, या कंप्लीट उसका अकाउंट से अपना कंप्लीट आप उसको अपने अकाउंट से कैश कटवा दें, जितना भी है अपने अकाउंट से पेमेंट कर दें। या आप कुछ पार्ट, जैसे ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें ज़्यादातर लोग हैं जो थर्ड पार्ट में काम करते हैं, जैसे कि आप कुछ अपना जो कार का टोटल कार की वैल्यू है उसका कुछ पार्ट आप फाइनेंस करा सकते हैं, कुछ पार्ट आप अपने अकाउंट से करवा सकते हैं, और कुछ पार्ट आप होता है जैसे कैश में होता है। तो कैश की मैक्सिमम वैल्यू है जो आप कैश में आप पेमेंट कर सकते हैं 1,99,000। इससे ज़्यादा ना करें, और इससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो टैक्स फ्री रहता है 1,99,000। तो आप अपने कार को लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बाय।